हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले और कोई सेकंड वे नहीं था। तो ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है, तो जन्मदिन पे क्या करोगी? 28 को है ना, तो क्या करोगी? बस मजे करूंगी। बस ये कहाँ है? हाँ, पीछे खड़ा है ना। टाइम आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। मेरा वैल्यू आप ही है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज़ ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, सो टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बड़ा बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। वहाँ पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स ऑल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहाँ पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे, वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते तब इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बारी 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी। बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था, हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच यूएसए से हुआ था जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल्ड चला गया था उस टाइम। तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले। फिर इस बार हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार ये इंडिया को गोल्ड लाना ही है, इसको हराना है, इनको हराना ही है। वो मैच फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकेंड वे नहीं था। ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए 22 में से 21 और 22 में से 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था? सर, आई थिंक गुकेश वांट्स टू आंसर दैट, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ओपन टीम में ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीतते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर, मतलब मैं क्या ही बताऊं। आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। या दिस एक्सपीरियंस वाज रियली अ ग्रेट टीम एफर्ट। एवरी सिंगल one of us was in like excellent form and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal, but then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated and from the start we were like we are going to win this for the team and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी AI का उपयोग करके आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सकते हैं? Yes sir, with AI the chess has evolved. There has been new technology and the computers have become much stronger now and it is showing a lot of new ideas in chess and we are still learning from it and I think there is a lot to learn from it. Sir, I think abhi aisa ho gaya hai ki AI ke tools sabko available ho gaye hai kyunki democratize ho gaya hai aur abhi hum zarur preparation mein use karte hain. Bataiye. Kuch nahi sir, the experience to bahut kuch nahi, aise jeet liye. ऐसे आ गया, गोल आ गया। नहीं सर, ऐसे नहीं आ गया, बहुत मेहनत किया है। आई थिंक मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है, पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। तो जब मैं बचपन में उन्हें देखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया, पेशेंट का जाना पड़ता था। मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। सर मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं, अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं। वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाएं, ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल, तब देश महान बनता है। मैं जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था, लाखों बच्चे खेलते थे, उसमें तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था, तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी। वैसे बहुत लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता हो कि भाई ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें खेलने से पहले इतना खाइए, मत खाइए, सब बताया जाता होगा आपको। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए। आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है। लेकिन आप हर प्रकार की चीज़ को सुनते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं, और कहीं समझ नहीं आए तो बिना संकोच किसी जानकार को पूछते हैं, तो फिर आपको कठिनाई कम आती है। और मैं मानता हूँ कि कुछ तो अनुभव से आ जाता है, और जैसा मैंने कहा कि योगा, मेडिटेशन, इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी। सर, हम अभी 2 हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए, पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते, इतने मतलब ब्रेक भी नहीं लेते, तब केवी रीते व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी? आप इतना जानते हो, एंड देन ऑल्सो यू आर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड, और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को आई थिंक इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको एक एडवाइस देना चाहो, आप जहाँ चेस को देखना, शतरंज को देखना चाहते हो? देखिए, ऐसा है, जीवन में कभी संतोष मत मानिए, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है। तभी 3 घंटा सोते हैं सर। आप सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। हर हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, बहुत कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे, और हम लोग बस में से आ रहे थे, और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे, और आपने वहाँ पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते, और हम सब लोग उस टाइम साथ में बसते। हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरे दुनिया के सामने। मैं 98 में मैंने फर्स्ट ओलंपियाड खेला, और उस टाइम पे गैरी कास्परोव, कार्पोव, ये सब लोग खेलते थे और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे, ऑटोग्राफ। इंडिया का तब रैंकिंग बहुत नीचे था। और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। हम बहुत भी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। आई थिंक हमें नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी चेस जो खेलते हैं अभी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि वो अच्छा खेले और आपको आके मिले, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन। नहीं ये बात सही है जी, कभी कभी ये देखने से पता चलता है इनको कि हाँ यार अपने लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैंने एक बार गुजरात में बहुत बड़ा चेस का इवेंट किया था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो 20,000 लोग उसमें एक साथ चेस खेले थे। और सर उसमें उस टाइम पे इसमें से बहुत सारे लोग चेस नहीं खेलते थे। नहीं तब तो इनमें से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। तब भी लोगों का आश्चर्य होता है क्या मोदी जी कर रहे। अच्छा 20,000 को जब बिठाने की जगह भी चाहिए, तो बहुत बड़ा पंडाल बनाया था मैंने। तो हमारे अफसर लोग भी कहते थे साहब अब ये इसके लिए इतना खर्चा, मैंने कहा इसी के लिए खर्चा करूंगा मैं। इसे आपने जब इतना मुझे एनकरेज किया ये, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में और मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतना है। वाह। और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज्यादा ही खुश थी। और फिर तब आपने तो उसी में थी तुम। हाँ। और ये तब आपने साइमल ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारी लड़कियां खेली थी तब। वाह। तो उस समय तुम्हें वहाँ कैसे ले आए थे? तब मैं एशियन अंडर 9 जीती थी, तो किसी ने मेरी मम्मी से कहा कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है गुजरात में गांधीनगर में, तो मुझे तब बुलाया था। तो ये मैं रख सकता हूँ ना? यस सर। फ्रेम करवाना था बट इतना फ्रेम करवा के देना था आपको, बट नहीं बेटा कोई चिंता नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। तो ये शाल रखा है कि नहीं रखा है? यस सर रखा है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप खूब प्रगति करिए।